क्या बात है देवी, जगत में समृद्धि की देवी जानी मानी जाती हो, फिर भी तुम्हारा मुख चिंताग्रस्त क्यों है? कोई विशेष कारण नहीं है स्वामी। विशेष ना सही, साधारण कारण क्या है? तुम्हें तो ज्ञात है कि संसार में किसी के भी मन का रहस्य हमसे छुपा नहीं है। यदि ऐसा है तो प्रश्न करने की आवश्यकता ही क्या है, बिना प्रश्न किए ही मन का रहस्य जान लीजिए और आप हमें भी बताइए कि आपने क्या जाना है। देवी, तुम्हारी चिंता का कारण यह है कि अचानक एक शक्तिशाली असुर पुनः उत्पन्न हो गया है। वो तीनों लोकों में उपद्रव उत्पन्न अवश्य करेगा तथा समृद्धिवान प्राणीजनों को कष्ट देगा, धर्मात्माओं के लिए भी संकट उत्पन्न करेगा और देवताओं को भी पीड़ित करेगा, अर्थात सृष्टि की संतुलित व्यवस्था में बाधक बनकर वे उसे असंतुलित करेगा। स्वामी, आपने मेरी मन की आशंका को जान लिया है। मैं भी विचार करती थी कि भगवान शिव को ऐसा भयानक असुर इस जगत में प्रकट करने की क्या आवश्यकता थी। देवी, जिस आवश्यकता को तुम नहीं समझ सकी हो उसे भगवान शिव ने समझ कर ही प्रकट किया होगा। अर्थात? अर्थात अनेक बार की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव लीला आरंभ में विचित्र, अनावश्यक और भयावह प्रतीत होती है, किंतु उसके गर्भ में सदा ही धर्म रक्षा, प्राणी मात्र का कल्याण और सर्वहित ही निहित होता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता का त्याग करो और अपने मन को प्रफुल्लता की दिशा की ओर ले चलो। नारायण नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। श्री हरि, मैं आज आपको। आज तुम जलंधर के विषय में समाचार लाए हो? नारायण नारायण, जिसका ज्ञान आपको है वो समाचार कहाँ रह जाता है श्री हरि। समाचार लाना ये सत्य नहीं, समाचार के बहाने वैकुंठ आकर आप दोनों के दर्शन करना यही मेरा स्वार्थ। विषय की दिशा को बदलना भी तुम्हारी लीला का ही एक अंग है नारद। माता, ऐसा कदापि नहीं है। है क्यों नहीं? तुम यहाँ अवश्य एक विशेष समाचार लेकर आए हो और वैकुंठ आने के बहाने की ओट में बहाना बनाकर मूल विषय से हट रहे हो। माता, श्रीहरि सबके मन का सत्य जानते हैं। जब वे आपके मन की बात जान सकते हैं तो भला मैं बहाना बनाकर कोई बात मन में कैसे और कहाँ रख सकता हूँ। नारायण नारायण। नारद, ये सत्य है कि श्री हरि सब कुछ जानते हैं, किंतु ये भी सत्य है कि हर बात उनसे पूछी नहीं जा सकती। इसलिए वो बात जिसे मन में यहाँ सुनाने का विचार लेकर तुम आए हो, सुनाओ। नारायण नारायण, आपके इस हट और आग्रह के वशीभूत होकर मैं अपने मन की बात सुना तो दूंगा माता, किंतु भय है मुझे आपके कोप का भाजन बनना होगा। क्यों? सत्य कटु होता है माता, इसे सुनाने वाले के लिए साहस और सुनने वाले के लिए संयम की आवश्यकता होती है, किंतु कटु सत्य ये है माता कि सुनाने वाला तो साहस किसी न किसी प्रकार जुटा ही लेता है, किंतु सुनने वाले के हाथ से संयम का पल्ला सदा ही छूट जाता है। नारायण नारायण। नारद, आजकल तुम अधिक बोलने लगे हो। ठीक है माता लक्ष्मी, आप अधिक नहीं, केवल संक्षिप्त में सत्य बोलूंगा जिसे सुनकर आप न केवल आश्चर्यचकित हो जाएंगी अपितु असुरों के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। उससे पूर्व तुम बदल जाओ और कहो क्या कहना है। स्वामी, आप ही बताइए नारद क्या कहना चाहते हैं। नहीं देवी, नारद के मुख से सुनने का आनंद ही कुछ और है। बताओ नारद, वो दृष्टिकोण बदल जाने वाली बात। तो सुनो माता, असुर राज जलंधर आपका छोटा भाई है, अर्थात आप उसके कल्याण के विषय में विचार करें, विनाश के विषय में नहीं। नारद, अपने बड़ों से विनोद और हास परिहास अपनी मर्यादा की सीमा में रहकर ही करना चाहिए। क्षमा माता क्षमा, परंतु मैंने ऐसा क्या कह दिया? असुर जाति में मेरी गणना करके ये पूछ रहे हो कि क्या कह दिया? नहीं 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 माता, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। असुर राज जलंधर को मेरा भाई कहने का क्या स्पष्ट अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं भी असुर हूँ? नहीं। और स्वामी, आप भी ऐसा अप्रिय विनोद मौन रहकर सुन और सहन कर रहे हैं? सत्य तो मौन रहकर ही सुना जाता है देवी,
विरोध तो असत्य का किया जाता है। स्वामी आप भी नारद की बातों में आ गए। तर्क वितर्क की सारी संभावनाएं इस सत्य के नीचे दब गई हैं देवी, कि जलंधर तुम्हारा छोटा भाई ही है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है देवी, तुम्हारा जन्म सागर मंथन के समय समुद्र के गर्भ से ही हुआ था। हाँ, मेरा जन्म अवश्य समुद्र के जलंधर का जन्म भी समुद्र से ही हुआ है, अर्थात समुद्र ही तुम दोनों के पिता हैं। अब आप ही बताएं माता लक्ष्मी कि आप जलंधर की बहन हैं अथवा नहीं। नारायण नारायण, जिसे आप मेरा अप्रिय विरोध समझ रही थी माता, वही अटूट सत्य निकला। इस सत्य को स्वीकारने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। अब आप ही निर्णय करें माता लक्ष्मी कि आपको जलंधर से घृणा करनी चाहिए अथवा प्रेम। प्रभु, क्या नारद यहाँ आपकी प्रेरणा से आए थे? जगत के सारे कार्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रेरित होकर ही होते हैं।